नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। मणिमहेश यात्रा 28 अगस्त से हर श्रद्धालु का होगा पंजीकरण, हेली टैक्सी सेवा भी मिलेगी। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में इस बार हर श्रद्धालु का पंजीकरण होगा। यात्रा 28 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगी। मणिमहेश जाने वाला कोई भी व्यक्ति www.manimaheshyatra.hp.gov.in पर पंजीकरण करवा सकता है। यात्रा की तैयारियों को लेकर बचत भवन में आयोजित बैठक के दौरान यह जानकारी SDM भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने दी। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। इसमें मणिमहेश यात्रा के दौरान प्रशासनिक दायित्वों और श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा की गई। CM सुक्खू बोले, 6000 अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने वाला हिमाचल पहला राज्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश के 6000 से अधिक अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। प्रदेश सरकार ने बेसहारा बच्चों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाई है। सरकार की ओर से इन बच्चों के शैक्षणिक व्यय के साथ साथ जेब खर्च के रूप में 4000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन बेसहारा बच्चों को घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि, गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए, स्टार्टअप परियोजना के लिए 2 लाख रुपए तथा विवाह के खर्च के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्राइमरी स्कूल के 7 छात्र छात्राओं से छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रोहडू क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में शर्मसार करने वाला मामला सामने है। एक व्यक्ति ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 7 छात्र छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। आरोपी व्यक्ति काफी समय से 5 छात्राओं और 2 छात्रों से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका खुलासा चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद हुआ। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चाइल्ड हेल्पलाइन ने छात्र छात्राओं की काउंसलिंग की जिसमें छेड़छाड़ का खुलासा हुआ। DSP रोहडू रविंद्र नेगी ने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अग्निवीर निखिल ढड़वाल की मौत पर परिजनों ने मांगी जांच, राष्ट्रपति PM से न्याय दिलाने का किया आग्रह। कश्मीर में शहीद हुए अग्निवीर के माता पिता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपने बेटे की मौत के कारणों की जांच कराने और उन्हें न्याय दिलाने का आग्रह किया। कश्मीर के अखनूर के टांडा इलाके में तैनात निखिल ढड़वाल की गुरुवार को मौत हो गई थी। वह अग्निवीरों के पहले बैच से थे और सेना में 2 साल पूरे कर चुके थे। PTI से बातचीत में ढड़वाल के पिता दलेर सिंह ने बताया कि उन्हें फ़ोन पर बताया गया कि उनके बेटे को चोट लगी है और बाद में उसकी मौत हो गई। अंतिम परिणाम में देरी से नाराज अभ्यर्थी चयन आयोग के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे, किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में भर्ती परिणाम में देरी को लेकर नाराज चल रहे JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने हमीरपुर स्थित आयोग के दफ्तर के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने फैसला लिया है कि जब तक परिणाम घोषित नहीं किया जाता तब तक प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कार्यालय गेट पर प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि काफ़ी समय से रिजल्ट को लेकर बेवजह देरी की जा रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि 2 से 4 दिनों में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ से रिजल्ट घोषित करवाए बिना लौटने वाले नहीं हैं। तीसा बैरागढ़ मार्ग पर दर्दनाक हादसा, कार के खाई में गिरने से 2 की मौत, 4 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान मानदेई पत्नी चैनाल 38 वर्षीय व क्यूम खान पुत्र शेर मोहम्मद 33 वर्षीय निवासी गांव व डाकघर थनेकोटी के रूप में हुई। इसके अलावा केहर सिंह पुत्र मोतीराम 39 वर्षीय,
कमाल दीन उर्फ काकू पुत्र किरम 23 वर्षीय, पूजा पुत्री मां सिंह 19 वर्षीय, मनीषा पत्नी केसु 32 वर्षीय निवासी गांव वो डाकघर थने कोठी तहसील चुराहा घायल है। घायलों को 30 अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार आज बैरागढ़ में जातर मेला था। थने कोठी गांव के 6 लोग एक कार HP 443314 में सवार होकर जातर मेले के लिए जा रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे कार तीसा बैरागढ़ मार्ग के पतोगन के पास पहुंची तो पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर कार पर आ गिरा। इस कारण चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई। कार को खाई में गिरता देख आसपास के स्थानीय लोग बचाव के लिए दौड़े। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस थाना तीसा को भी दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर सभी को बाहर निकालकर तीसा अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मटोर शिमला फोर लेन इंतजार खत्म, दौलतपुर सुरंगों के दोनों छोर मिले। मटोर से शिमला के लिए बन रहे फोरलेन के अंतर्गत दौलतपुर से तरसूह के बीच बनी 2 सुरंगों के छोर आपस में मिल गए हैं। आज इसकी ब्रेक थ्रू सेरेमनी आयोजित की गई। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों ने दोनों सुरंगों का निरीक्षण किया। करीब 600 मीटर लंबी इन दोनों सुरंगों से वाहन चालकों का सफ़र करीब 18 किलोमीटर कम हो जाएगा। वहीं आज निरीक्षण के बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी। 1-2 दिन में अमेरिका से लौटेंगे दलाई लामा, सितंबर में देंगे प्रवचन। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 1-2 दिन में अमेरिका से लौटेंगे। 1 माह तक आराम करने के बाद वो मैकलोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में सितंबर में 3 टीचिंग और 1 प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे। तिब्बती प्रशासन ने सितंबर का दलाई लामा का शेड्यूल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जारी शेड्यूल के अनुसार 6 सितंबर को वो अरुणाचल प्रदेश के मोनपा समुदाय के अनुरोध पर अवलोकतेश्वर पर प्रवचन देंगे। 7 सितंबर को उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना होगी। 12 और 13 सितंबर को दक्षिण पूर्व एशियाई के लोगों के एक समूह के अनुरोध पर दलाई लामा 2 दिवसीय टीचिंग के दौरान अनुयायियों को प्रवचन देंगे। 4 IPS अधिकारियों को मिला DG रैंक, ओझा को महानिदेशक CID का अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 IPS अधिकारियों को DG रैंक से नवाजा है। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर 1993 और 1994 बैच के हिमाचल कैडर के IPS अधिकारी अनुराग गर्ग, अशोक तिवारी, ऋत्विक रुद्र और राकेश अग्रवाल को DG पुलिस रैंक मिला है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए हैं। अगस्त के आखिर में हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के आखिर में शुरू हो सकता है। यह बात विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने डलहौजी में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा का आखिरी सत्र 28 फरवरी को हुआ था। संविधान के मुताबिक 6 महीने के अंतराल में फिर से सत्र बुलाना आवश्यक होता है, इसलिए अब अगस्त के आखिर तक इस सत्र को बुलाया जा सकता है। तारीख सरकार ने तय करनी है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।